Hey guys, welcome back to another vlog. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आईफोन 10 लिया OLX पे से, तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये फोन है। प्लस हम इसके साथ कुछ फोटोग्राफी कुछ वीडियोग्राफी करेंगे और जानेंगे कि क्या ये 2022 में लेना वर्थ है हमारे लिए। तो गाइस फाइनली ये है हमारा आईफोन का बॉक्स जो कि मैंने OLX पे से परचेज किया है। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये आ गया इसका डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, हेलो हाय बाय बाय। इसका तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये आ गया हमारा मेन आईफोन। एक मिनट के लिए इसको साइड कर लेते हैं। आपने देख ही लिया होगा मेरी फेस आईडी इस पर लग चुकी है क्योंकि मैं इसे पहले ही सेटअप कर चुका हूँ और ये ओपन भी हो गया। तो एक बार इसको हम साइड पर कर लेते हैं। और साथ में इसके साथ मुझे एक चार्जिंग वायर मिली है और साथ में इसका ये ओरिजिनल चार्जर मिला है। और प्लस उन्होंने मुझे बहुत सारे स्क्रीन गार्ड्स भी दे दिए बैक के और फ्रंट के। एक तो मैंने इसके ऊपर लगा भी लिया है। तो गाइज ये है हमारा मेन फ़ोन, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसकी बैक की बात करूँ तो बिल्कुल एकदम अच्छी कंडीशन में पड़ा है ये फ़ोन। साइड की बात करें तो भी मतलब थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो यार हो ही जाते हैं। 2019 में उन्होंने परचेज़ किया था। लेकिन इसकी बैटरी हेल्थ की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो देख लेते हैं अभी कितनी है। बैटरी हेल्थ की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसकी बैटरी है 87%। तो यार बहुत ही बड़ी बात है कि इतने टाइम यूज़ करने के बावजूद इसकी बैटरी हेल्थ 87% है। तो गाइस ये मुझे पड़ा है 24,000 का। ये ब्लैक कलर का 128 GB वेरियंट है जो कि मुझे यार मार्केट में अगर मैं किसी सेलर से ख़रीदता तो मुझे 28 से कम का बिल्कुल नहीं मिल रहा था। OLX पे से मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। तो गाइज यार फाइनली मैं आ गया हूँ बाहर। तो अब हम चेक करेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी कि क्या हमारा आईफोन XR सिर्फ एक इकलौता हमारा व्लॉगिंग सेटअप बन सकता है कि क्या हम विदाउट माइक्रोफोन विदाउट ट्राईपॉड स्टैंड हम इसे नॉर्मली बस अपनी जेब से फ़ोन निकाला और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, क्या हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये सारा इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए व्लॉग्स और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहा। तो इस ब्लॉगिंग के लिए ना हमारी तीन बहुत ही मेन चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी प्लस स्टेबलाइजेशन। तो यार जितना अब तक मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ ना, ये तीनों चीज़ें इसकी बहुत ही ज़्यादा सही है यार। बिल्कुल मतलब किसी भी इस रेंज के किसी भी फ़ोन से आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो कोई इसके बिल्कुल नज़दीक भी नहीं खड़ा हो पाएगा। वैसे तो गाइस इसका माइक्रोफोन है ना जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन आपको शायद थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज हवा कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। गाइस अभी तो मैं बिल्कुल सन के सामने खड़ा हूँ तो आप देख रहे हैं कि कैसी वीडियो आ रही है। अभी जब मैं सन के अगेंस्ट होता हूँ तो हम चेक करते हैं ये किस हिसाब से मैनेज कर पाता है और कितना फ़र्क पड़ता है इसको। और ये अब मैं बिल्कुल सन के अगेंस्ट आ चुका हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस कैसा सन के सामने था जब मैं बिल्कुल सन के सामने था और अब मैं सन के अगेंस्ट हूँ तो ये कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो गाइज आज है हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे होंगे आपको नज़र आ रहे होंगे जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पर आई नो आप अपने भाई के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो गाइज जितना अभी तक मैं इसको जज कर पाया हूँ ना यार, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि मेरा हाथ भी शेक कर रहा है इसको मैंने पकड़ा हुआ है ना, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहा है, अच्छे से उसे स्टेबलाइज कर पा रहा है हमारी वीडियो को। अभी मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ जिससे हमें और ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि कितना अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो मैं एक बार आपको भाग के दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं भाग के आया हूँ, अभी आपने नोटिस किया होगा कि कितनी इसकी स्टेबलाइजेशन है। एक बार मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको ज़्यादा बेटर बताता हूँ। तो यार अभी मैंने जो सैंपल अभी आपको मैंने जो भाग के दिखाया उसका सैंपल मैंने भी चेक किया तो यार आई एम सो शॉक्ड, इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी ज़्यादा सही है ना। मतलब मैं बोलूँगा कि यार DSLR लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे बिना ट्राईपॉड के भी यूज़ करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है यार। तो गाइस वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, मैं एक भाई आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि हमें जूम का भी पता चल जाएगा और इसकी क्लैरिटी का भी पता चल जाएगा। ये सामने जो पहाड़ है ये कसौली हिल्स है, वो सामने इधर वाला वो जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो कसौली का मंकी पॉइंट है और इधर हम जो देख रहे हैं वो वाइट कलर का वो एक 5-स्टार होटल है जिसको कि हम टिम्बर ट्रेल बोलते हैं।
और गाइस ये कुछ ऐसा है इसका फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी है। मैं बिल्कुल अभी सन के सामने हूँ, मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं, और ये मैं अब सन बिल्कुल ही मेरे पीछे है, सन के अगेंस्ट होके थोड़ा सा, मतलब कि इसका फ्रंट कैमरा मैं बोलूँगा कि हाँ बस नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन बैक कैमरा, हमें देखो मेन ना बैक कैमरा से ही ब्लॉग शूट करना होता है। एक तो बैक कैमरा की क्लैरिटी होती है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है। सेकेंड चीज़ ऐसा है कि बैक कैमरा के अंदर इसके ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिससे कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनती हैं। प्लस यार फ्रंट कैमरा से जैसे अभी मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं स्क्रीन में अपने आप को देख रहा हूँ, तो आपको भी मैं ना ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे देख कर आपसे बात नहीं कर रहा। अब मैं कैमरे की तरफ देख के बात करूँ तो वो आपको लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हम फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने लगते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान है जो वो स्क्रीन की तरफ चला जाता है और सामने वाले को लगता ही नहीं कि हम उससे बात कर रहे हैं। तो मैं आई वुड से कि यार आपको अगर व्लॉगिंग करनी है तो आप हमेशा, चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन है, आप बैक कैमरा से ही उसे शूट कीजिए। तो गाइस एक बार हम इसका फोकस टेस्ट कर लेते हैं। ये एक सामने हमारे पेड़ है, इसको एक बार मैं ऐसे ही पत्ते की तरफ लेके जाता हूँ, बहुत ही फास्ट इसने फोकस किया, ये ऐसे और ऐसे। तो गाइस आप देख रहे होंगे कितना जल्दी ये फोकस कर लेता है चीज़ों को। आईफोन 11 और 10R में बस इतना डिफरेंस है, कैमरा को कंपेयर करते हो अगर हम बोलें तो उसमें डुअल कैमरा सेटअप है बैक में, इसमें सिंगल कैमरा सेटअप है। बट यार मैं बोलूँगा कि अगर आप व्लॉगिंग के पर्पज़ से या वीडियोज़ के पर्पज़ से ले हो तो, और यार फोटोज़ के पर्पज़ से भी ले रहे हो ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यार 10R ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाएगी, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। वो खैर अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात आ जाती है, बट मेरे लिए अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कोई मैटर नहीं करता। इसका एंगल है वो बहुत ज़्यादा वाइड है मेरे हिसाब से। मैं अभी बिना ट्राइपॉड के शूट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि कैसा मैं आपको, कितना वाइड एंगल आपको नज़र आ रहेगा। और वैसे भी यार जो मेन कैमरा होता है ना उसी की क्लैरिटी सबसे बेस्ट होती है, जो अल्ट्रा वाइड होता है ना, या कोई और भी टेलीफोटो वगैरह होगा, मतलब टेलीफोटो से तो क्या है हम बोके शॉट्स ही ले सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड से भी इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है जितनी कि मेन कैमरा से बन पाती है। मेरे फ्रेंड्स के पास आईफोन 11 आईफोन 12 है, मैंने उससे चेक किया, कंपेयर भी किया, तो मुझे इतना कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब इसको लेने से पहले मैं चेक कर चुका था, तो मैंने सोचा कि यार मेरा मेन पर्पज़ जो है मुझे सिर्फ उसकी तरफ फोकस करना है, और फिर ये मेरे बजट में भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ये ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। गाइस वो दिन में हमें चंदा मामा नज़र आए हैं, एक भाई फोकस करते हैं उनके ऊपर, तो ये अच्छे से फोकस में आ गया हमारे चंदा मामा। गाइस हमने अपने चंदा मामा पे जूम कर लिया और ये हमें काफ़ी अच्छे से नज़र आए हैं, आपको भी अच्छे से दिख रहे होंगे। तो गाइस मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो यूट्यूबर्स ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि आईफोन 10R का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल है और फोन्स के मुकाबले, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास वीवो का 10,000 रुपीज़ का ये Z1 Pro है, इससे मैं आपको भी कैमरा कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा वाइड एंगल है इसका कैमरा। तो गाइस आज मैंने जितना भी शूट किया है उसका मेन कंक्लूजन क्या है, क्या आपको आईफोन सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका बजट। अगर आपके पास आईफोन लेने का बजट है तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ इससे बेटर ऑप्शन कोई और नहीं है, लेकिन हाँ अगर अभी आपके पास इतना बजट नहीं है तो यार आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। मैं अभी तक अपने वीवो के फ़ोन से शूट कर रहा था, उसमें भी बहुत अच्छी वीडियोज़ बन जाती है, उसकी भी माइक की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब ओवरऑल अच्छी क्वालिटी है। और यार मेन चीज़ पता क्या है, अगर आपके कॉन्टेंट में दम है ना तो क्लैरिटी मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए बस। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।